PACL के निवेशकों को मैं पृथ्वीराज यादव AISO प्रेसिडेंट आप सब लोगों से मेरा निवेदन है, आह्वान है कि PACL के निवेशकों का पिछले 5 साल से बकाया पैसा अभी तक नहीं मिला है। PACL के निवेशकों ने मिलकर एक संगठन बनाया, ऑल इन्वेस्टर सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन, जो PACL के निवेशकों के हित के लिए उनका पैसा वापस मिले, इस बात के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय में भी PACL के निवेशकों की पैरवी की और वहाँ से एक डिसीजन हुआ। उच्चतम न्यायालय से 2 फरवरी 2016 को आदेश मिला कि PACL के जितने भी निवेशक हैं उन सब को PACL की सारी असेट्स को नीलाम करके पैसा उनको वापस किया जाए, किंतु अभी तक भी 2.5 साल बीतने के बाद भी किसी भी PACL के निवेशक को एक पैसा नहीं मिला है। इसलिए विरोध स्वरूप हम सब लोगों ने मिलकर के प्रांतीय स्तर पर अलग अलग एक धरने और प्रदर्शन का आयोजन रखा है। अभी 31 जुलाई 2018 को हमने छत्तीसगढ़ में रखा, उसके बाद 20 सितंबर 2018 को रामलीला मैदान जयपुर में रखा है, एक बहुत बड़ा आयोजन निवेशक कर रहे हैं, और उसके बाद 26 सितंबर 2018 को भोपाल में रखा जा रहा है। PACL निवेशकों की एक ही मांग है AISO संगठन के माध्यम से कि जब तक हमारा पैसा नहीं मिलेगा हम रूलिंग पार्टी, चाहे वो प्रदेश स्तर पर हो चाहे वो केंद्रीय स्तर पर हो, उसके विरोध स्वरूप हमने पूरे देश में एक नारा का संकल्प लिया है कि पहले PACL का भुगतान फिर मतदान। जब तक PACL के निवेशकों का भुगतान नहीं मिलेगा हम रूलिंग पार्टी को वोट नहीं करेंगे। जो पार्टी हमारा समर्थन करेगी, हमें पैसा दिलाएगी, वहीं हमारे निवेशकों का वोट जाएगा। 20 सितंबर 2018 को राजस्थान के सारे निवेशकों ने मिलकर के एक बहुत बड़ा आयोजन रखा है रामलीला मैदान जयपुर में, जहां कम से कम 50,000 निवेशक इकट्ठा होने वाले हैं और वहां हम हमारा सरकार को, सेबी को, लोढ़ा कमेटी को इस बात का एक पुरजोर विरोध करवाने वाले हैं कि जब तक हमारा पैसा नहीं मिलेगा हम इन एजेंसियों का विरोध करेंगे।